हाय गाइस, मैं हूँ विवेक कुमार पांडे और ये है फ्लटर का ट्यूटोरियल। यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने सिंपल सा एक बेसिक सा फॉर्म क्रिएट किया हुआ था, ठीक है। अब डेटाबेस में डेटा को इंटर करने से पहले हम लोग को सबसे पहले इस फील्ड का वैल्यू चाहिए। जो भी इस फील्ड में हम लोग वैल्यू डाले उस फील्ड का हम लोग को वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग को जो जरूरत होता है वो है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का, ठीक है। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर को हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट को अपने टेक्स्ट फील्ड में पास करेंगे, उसी के थ्रू जो भी हम लोग वैल्यू उसमें डालेंगे वो उस कंट्रोलर में जाएगा, उस कंट्रोलर को हम लोग डॉट टेक्स्ट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओवरराइड के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद मैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर लेता हूँ और इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ सबसे पहले नेम के लिए, और उसके बाद इस क्लास को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है, एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और अगेन पासवर्ड के लिए और ईमेल के लिए ले लेते हैं, ठीक है। अब इस बार हो जाएगा पासवर्ड, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा ईमेल, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग को पास करना होगा अपने टेक्स्ट फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली कंट्रोलर लेता हूँ और इस कंट्रोलर को बाद हम लोग को यहाँ पे दे देना है नेम, जो नेम के लिए था उसके लिए, ठीक है। और उसके बाद पासवर्ड में जाएंगे और सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है कंट्रोलर, और ये हो जाएगा पासवर्ड के लिए, ठीक है। अगेन हम लोग को जाना है यहाँ पे कंट्रोलर और इस बार हो जाएगा ईमेल के लिए, ओके। अब ये तो हो गया, लेकिन इसको हम लोग को डिस्प्ले भी कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबमिट बटन के नीचे एक मैं डिवाइडर ले लेता हूँ कि थोड़ा सा स्पेस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेता हूँ और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ नेम, नेम इच, ओके, नेम, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ डॉलर नेम डॉट टेक्स्ट। इसको हम लोग को कर्ली ब्रैकेट के अंदर पास करना होगा, डॉलर नेम डॉट टेक्स्ट, ओके। और अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइडर की यूज कर लेते हैं, डिवाइडर, और यहाँ पे टेक्स्ट लेते हैं और इसके अंदर मैं पास करूँगा पासवर्ड को, पासवर्ड, ओके। और यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा, डॉलर पासवर्ड, पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, ओके। और उसके बाद हम लोग को चाहिए ईमेल के लिए डिवाइडर, और यहाँ पर हो जाएगा टेक्स्ट और यहाँ पर हो जाएगा ईमेल, ओके। और इसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है, डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ईमेल डॉट टेक्स्ट, ओके। इतना काम हो जाएगा, हम लोग का डेटा मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे देखिए नेम है, पासवर्ड है और ईमेल है। अब मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ विवेक, ओके। और यहाँ पे मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि आ गया है विवेक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अपना पासवर्ड देता हूँ, सपोज दे देता हूँ विवेक कुमार 7 8 9, ठीक है। और जैसे ही मैं ईमेल पे क्लिक करूँगा यहाँ पे भी पासवर्ड ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड भी आ गया। अब मैं यहाँ पे
vivek65k@gmail.com। ओके, मैं जैसे ही कोई और पे क्लिक करूंगा किसी और फील्ड पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया और ईमेल आ गया। तो ये जो तरीका था बहुत ही आसान तरीका है हम लोग को जो वैल्यू है उसको गेट करने का। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम लोग गेट करेंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे विवेक के जगह पे मैं लिखता हूँ होस्ट प्रोग्रामिंग। ओके, और मैं देखता हूँ नीचे, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज हो गया है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है हम लोग कैसे वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।